शहर में शुक्रवार से गणेश उत्सव की शुरुआत होने जा रही है, जहां विघ्नहर्ता भगवान गणेश की प्रतिमा घर घर विराजित होगी। इस पर्व को लेकर छोटे बच्चों में खास उत्साहित है, जहां बुद्धि के दाता भगवान गणेश को उत्सव को बच्चे पूरे उमंग के साथ मनाते हुए दिख रहे हैं। इस बार संक्रमित वायरस के प्रकोप के बीच गणेश उत्सव की शुरुआत होने जा रही है, जहां प्रशासन द्वारा जारी कोविड वायरस के सुरक्षा के तहत गाइडलाइन ने अन्य त्योहारों के चलते गणेश उत्सव पर्व को भी प्रभावित किया है। सार्वजनिक रूप से झांकियां और बड़ी मूर्ति विराजित नहीं करने के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के लिहाज से जारी निर्देशों के चलते इस उत्सव को सादगी के साथ मनाया जाएगा। इसी के चलते भगवान गणेश की प्रतिमा बाजार में बिक्री के लिए जगह जगह दिख। इस बार बाजार में छोटी प्रतिमाएं ही उपलब्ध हैं, जिन्हें में मिट्टी से निर्मित प्रतिमा के साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई मूर्तियां भी मौजूद हैं। हालांकि दोनों के रेट में काफी अंतर है। मिट्टी की प्रतिमाएं थोड़ी सी महंगी हैं। बाजार में खरीदार भी पहुंचना शुरू हो गए हैं, जो अपनी पसंद की मूर्तियों की भेंट निछावर कर ले जा रहे हैं। हालांकि इस बार कमी प्रतिमाएं बिक्री के लिए आई है। मूषक की सवारी शंख पर सवार माँ पार्वती और भोलेनाथ की गोद में विराजित गणेश के स्वरूप वाली एक से एक बढ़कर मनोहर रूप वाली प्रतिमाओं से बाजार गुलजार दिख रहा है, जहां वप्पा में आस्था रखने वाले अपनी पसंद के अनुरूप उनका चयन कर घर में विराजित कर विधि विधान से पूजन के लिए जा रहे श्रद्धालु उनकी आराधना कर वह अपने परिवार के साथ वैभव के साथ सुख समृद्धि की कामना करेंगे। तो वहीं इस अदृश्य महामारी से मुक्ति के लिए भी भगवान गणेश के समक्ष अर्जी लगा लोगों को जीवन सुरक्षित रखने की कामना करेंगे। भारत इस बार गणेश जी में क्या व्यवस्थाएं रखी गई हैं? अलग से मूर्तियां छोटी छोटी रखी गई हैं, बड़ी मूर्तियों के लिए प्रशासन ने मना किया है। तो गाइडलाइन के तहत ये सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से काम हो रहा है। ये जो आपने जो गणेश जी बनाए हुए हैं, ये किस चीज के हैं? मिट्टी के हैं सर। तो जैसे शहर में पीओपी के भी गणेश जी आ रहे हैं, तो क्या उद्देश्य रहा आपका ये मिट्टी के गणेश जी बनाने का? सर ये कहना है मिट्टी के हैं और यही रखना चाहिए घर में, और सिर्फ अपने ही घर में रखें, बाकी भीड़ भाड़ में ना रखें और ना ऐसे बाहर रखें। और छोटी प्रतिमा है हमारी।